अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वर्चुअल यूबिक्विटस एकेडमी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अरे का। अरे क्या होती है ये आपको आइडिया है इस चीज़ का, क्योंकि आप पहले कोर्स जो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग या फंडामेंटल प्रोग्रामिंग से वाकिफ़ हैं। सो अब हम जावा में देखेंगे अरे क्या चीज़ है। अरे का वही कॉन्सेप्ट है जो किसी दूसरी लैंग्वेज में है। जावा में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आपकी कंसेकटिव मेमोरी लोकेशन ऑफ होमोजीनियस डाटा आइटम इज कॉल्ड अरे। ठीक है, अरे में रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है कि आपके पास कुछ मेमोरी की मेमोरी में वैल्यूज़ होती हैं जो कि इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस की जा सकती हैं। इसमें सेम टाइप का डाटा होता है अरे में। ठीक है, अब अगर यहाँ पे अगर मेमोरी में चेक करें तो ये इसकी मेमोरी की वैल्यूज़ पड़ी होंगी मेमोरी के अंदर, और यहाँ पे इसके इंडेक्सेस होंगे। ठीक है, और आप इसको किसी भी आइडेंटिफायर से एक्सेस कर सकते हैं। माई लिस्ट जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेफरेंस है इस मेमोरी लोकेशन का, जो कि इसके डिफरेंट एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं इस रेफरेंस के थ्रू। हम ये देखते हैं कि जावा में हम अरे को किस तरह डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और कौन कौन से ऑपरेशन है जो आप अरे पे कर सकते हैं। ये हमारे पास तरीका है, डाटा टाइप ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट है और आगे अरे का जो रेफरेंस वेरिएबल का नाम है वो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप डबल का डबल डाटा टाइप की अरे लिस्ट एक अपने अरे बनाई है विद नेम माई लिस्ट। दूसरा ये भी एक स्टाइल है जो कि अगर आप कर्ली ब्रेसेस जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट है ये वेरिएबल के नेम के बाद ले आएँ, लेकिन ये आपका इतना प्रेफर्ड या रिकमेंडेड वे नहीं है। यानी आप इस तरह भी लिख सकते हैं डबल माई लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये इसका दूसरा मेथड है आप अरे को डिक्लेयर करने का। अब आप इसको ये देख सकते हैं कि इसका साइज़ वगैरह कैसे इनिशियलाइज करना है। अरे इज इक्वल्स टू न्यू, आगे आप डाटा टाइप देते हैं और उसका साइज़ दे देते हैं। सो यू कैन से दैट माई लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू डबल 10। तो ये 10 एलिमेंट की अरे बन जाएगी। फर्स्ट एलिमेंट इसका 0 होगा, लास्ट एलिमेंट इसका 9 होगा, जैसे कि बाकी ऑलमोस्ट लैंग्वेजेस में इसी तरह ही होता है। एक स्टेप में आपने ये दोनों काम करने हैं। ये जो प्रीवियस था, पहले हमने इसको डिक्लेयर किया था, फिर हमने इसको इनिशियलाइज किया था, इसको क्रिएट किया था हमने, सॉरी पहले डिक्लेयर देन क्रिएट। दोनों काम आप एक ही स्टेप में कर सकते हैं। डाटा टाइप का नेम दिस वन इज इक्वल्स टू न्यू डाटा टाइप लाइक डबल अरे माई लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू डबल। सो ये एक वैलिड स्टेटमेंट है, आप ये भी कर सकते हैं। सो ये आप एक ही स्टेप में दोनों काम कर रहे हैं। एक बार जो आपने लेंथ इसकी दे दी वही लेंथ रहेगी, आप इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकते या डिक्रीज नहीं कर सकते। और इसकी एक एट्रीब्यूट है लेंथ इस वेरिएबल का जो आप अरे डिक्लेयर करते हैं। अगर आप वेरिएबल रेफरेंस डॉट लेंथ लिखते हैं तो क्या मिलेगा आपको, उसका टोटल साइज रिटर्न कर देगा। बट रिमेंबर दिस इज एन एट्रीब्यूट नॉट अ फंक्शन। डिफॉल्ट वैल्यूज अरे में जो है वो न्यूमेरिक या प्रिमिटिव डाटा टाइप के लिए 0 होती हैं, बूलियन के लिए फॉल्स होती है, और करेक्टर के लिए ये आपका यूनिकोड करेक्टर ये वाली एम्प्टी होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज। अगर आप अरे जस्ट डिक्लेयर कर देते हैं किसी टाइप की और वैल्यू उसमें नहीं असाइन करते हैं। अब एवरीवन नोज के अरे कैसे एक्सेस की जा सकती है। अरे उसके इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस की जाती है, रेफरेंस वेरिएबल स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स। और उसके ये भी सबको पता है कि उसका जो इंडेक्स कहाँ तक होता है, 0 से लेके जो उसका साइज़ है -1 तक होता है। ठीक है, क्योंकि 0 to 9 अगर हम देखें तो 10 एलिमेंट की अरे बनती है। तो यू कैन असाइन किसी भी इंडेक्स को मैनिपुलेट करके सेकंड को ये चीज़ असाइन कर सकते हैं। ये सेम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही काम कर रहा है। अब बात आती है अरे इनिशियलाइजर की। अरे इनिशियलाइजर क्या होता है, आपने जैसे ही अरे डिक्लेयर की साथ ही उसकी वैल्यू भी उसको दे दी। तो ये तो जैसा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करते हैं वैसे ही हम अरे इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अरे इनिशियलाइजर, डबल स्क्वायर ब्रैकेट माई लिस्ट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस में आप इनका नाम दे सकते हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला स्टेप है ये वाला, ये बराबर है इस स्टेप के, डबल माई लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू डबल 4। हर एलिमेंट को आप इस तरह वैल्यू दें, मीन्स अगर आप ये 5 लाइंस लिखते हैं और ये 1 लाइन लिखते हैं बोथ आर इक्वल्स, या ये काम कर लें या आप ये काम कर सकते हैं। बट यू कैन नॉट डू दिस,
कि आपने पहले डिक्लेयर किया फिर अगली लाइन में जाके इसको इनिशियलाइज किया, ये एक एरर होगा। ठीक है, अब आई होप कि ये आपको बेसिक इसका जो है आइडिया वो क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम फर्दर प्रोसेसिंग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि हमारी अरे की फर्दर प्रोसेसिंग किस तरह होगी।